ट्रैक्टर परेड का हश्र क्या हुआ और क्या हो रहा है आपने देख लिया। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं, उनसे सवाल पूछूंगा, सवाल कड़वे हो सकते हैं। राकेश जी, हाँ जी, कहा यह गया था कि अनुशासन के साथ ट्रैक्टर परेड निकलेगा, हाँ जी, लेकिन अनुशासन वो दिखा नहीं। नहीं नहीं, अनुशासन पूर्ण रूप से प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं दिया, और खास करके दिल्ली पुलिस प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं दिया। जो रूट उन्होंने चिन्हित करा उसी रूट को 1.5 घंटे तक बाधित रखा, वहाँ पे बैरिकेटिंग करके रखी, कोई सुनने को तैयार नहीं था, पुलिस का कोई मौजूद अधिकारी वहाँ पर नहीं था। 1.5 घंटे बाद में उन्होंने उस रोड को क्लियर करा, जब पूरा प्रेशर पीछे से बना, जब उनको कहा कि जब पूरा उन्होंने रोड खोला, नहीं तो हमारे लोग सब इसी रूट से जा रहे थे। नहीं, ITO जाने की बात तो नहीं थी। नहीं नहीं, इसी रूट से थी ना हमारी, यहाँ से क्यों बैरिकेटिंग करा उन्होंने, जब रूट दे दिया गाजीपुर से रामानंद विहार जाएंगे, उसके बाद में फिर बैरिकेटिंग कैसे, लाल किला जाने की बात नहीं थी, यहाँ पे क्यों लगा उन्होंने। कुछ लोग उन्हीं में ही थे जो पुलिस प्रशासन के लोग हो सकते हैं, वे है, उन्होंने ही उकसाया लोगों को, हो सकते हैं, और पूरा ये जो रूट दिया था ये पूरा बैरिकेटिंग करा उन्होंने। क्या ऐसा भी हुआ कि आपने रोकने की कोशिश की और आपकी बात भी लोगों ने नहीं मानी? नहीं नहीं, हमने भी रोका है, पूरा रूट चलवाया भी है, जब अधिकारियों को कहा उन्होंने 2 बैरिकेटिंग उनसे हटवाए, जब पूरा रूट क्लियर हुआ वो, और बहुत ट्रैक्टर उधर को गए। अभी तक ये कहा जा रहा था कि 2 महीने तक ये आंदोलन अहिंसक रहा है, बहुत डिसिप्लिन रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि उस अहिंसक और ये जो मोटिव था उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है? नहीं नहीं, कोई पानी नहीं फिरा। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में किसान जो है उग्र हो गए और उन्होंने पूरा, कोई उग्र नहीं हुआ। कौन कह रहा, कोई नहीं। लाल किले की जो तस्वीर आ रही है, चूंकि आज गणतंत्र दिवस है, पूरी दुनिया दिल्ली को देख रही है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है, वैसे में जो तस्वीरें आज दिखी हैं बहुत ही उग्र तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हम मतलब आदमी नहीं दिखा सकता, वो कैमरे पे जो तस्वीरें आई हैं उसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो आई मैंने देखी रही हुए, और हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप दिल्ली से वापसी अपने गाँव की तरफ जाए। हमारा जो आंदोलन था, जो हमारा परेड थी, वो परेड हमारी होगी, और पूर्ण रूप से दिल्ली पुलिस और ये पुलिस जो इनका समय था पूर्ण रूप से फेल हुआ, इन्हें कोई हमारा सहयोग नहीं दिया। मतलब जो रूट दिया उस रूट पर चर्चा बैरिकेटिंग थे उनके, तो वे क्या चाहते थे, क्या उनकी प्लान थी पूरी, ये तो एक इसकी जांच होनी चाहिए पूरी। आप भी दिखा दूंगा अगर उस रूट पर बैरिकेटिंग ना हो, अभी चलो आप जाकर देखो। अच्छा, एक बात और आई है कि एक अपील किसान नेताओं की तरफ से भी आई है कि लाल किले आ जाओ और यहीं पर सरकार से बात होगी। नहीं नहीं, ये नहीं है इस तरह की कोई। तो अब क्या, अब आगे अब क्या होना है? हमारा ये है कि आंदोलन हमारे जारी रहेंगे, आंदोलन चलते रहेंगे हमारे। वो जो ट्रैक्टर दिल्ली में गए हैं वो तो सब वापसी आएंगे, और ऐसे आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन हमारे चलते रहेंगे, जो आंदोलन है चलते रहेंगे। लेकिन आज जो हुआ उस पर आप अपनी कुछ जिम्मेदारी लेंगे? नहीं नहीं, उसमें तो सारी कुछ सबकी जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदार तो कागज उस पर कलम पर चलता है क्या रूट, अगर रूट बना दिया कलम पर चलोगे फिर उसको बैरिकेटिंग करोगे, इसकी जांच होनी चाहिए पूरे उसकी, जिन्होंने रूट दिया अगर उन्हें बैरिकेटिंग किसने लगाई, किसके कहने से लगे, वहाँ पे महिलाएं पुलिस लगा के बदतमीजी करवाना चाहते थे, वे लगी रही महिलाएं 1.5 घंटा, एक महिला ने ट्रैक्टर को रोक, ये पूरा प्रेशर उसका था, आप रोक जाँच करो उसकी, ये वर्दी में वो महिलाएं कौन थी, ये पुलिस की थी, किसी पार्टी की थी, पुलिस की वर्दी में थी वे, और कोई जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पर नहीं था। आज भी अभी भी जहाँ पे इन्होंने रूट दिया, आज भी अगर बस न लग रही हो अभी कि सामने उसी पे ही बस लग रही, रूट तो होता है गोल चक्कर से घूम कर उस रूट से हम जाएंगे, वे रॉन्ग साइड से काट रहे तो लोग वहाँ पर ट्रैफिक उल जा, उन्हें पूर्ण रूप से डिस्टर्ब करा, हमको जो रूट दिया उस रूट को हम तो मतलब ये कि जो स्थिति खराब हुई, जो बिगड़ी है, वो पूरी दिल्ली पुलिस की उससे बिगड़ी, उसमें आप लोगों का कोई योगदान नहीं? हमारा कोई योगदान नहीं है उसमें, दिल्ली पुलिस ने आज भी बैरिकेटिंग अभी भी वहाँ पर लगा रखे हैं, ये बैरिकेटिंग उन्हीं के तो लग रहे, जो रूट दिया उस रूट पे उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।